स्टूडेंट्स, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर विज्ञान शिक्षण में इसके पहले के टॉपिक में मैंने चर्चा की थी डार्विनवाद। अब देखिए, डार्विनवाद के सहयोगी व उनके अनुयायी कह सकते हैं, जो जिन्होंने उनकी फिलॉसफी को देखा और उसको समझा, उन्होंने नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया और उस सिद्धांत का नाम उन्होंने रखा नॉट डार्विनवाद। डार्विनवाद के सिद्धांत पे मैंने एक चीज स्पष्ट कर दिया था कि डार्विन महोदय ने कहा था कि प्रकृति का चयन अर्थात प्रकृति डिसाइड करती है, प्रकृति या निर्णय लेती है कि किस प्रकार के जीव को यहाँ पे जीवित रहना है और किस प्रकार के जीव जो है इस प्रकार के एटमॉस्फेयर को सहन कर सकते हैं या अपने अंगों में परिवर्तन करके कैसे यहाँ पे रह सकते हैं। उनके सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उनके लोगों ने जिस सिद्धांत की परिकल्पना की उस सिद्धांत को नॉट डार्विनवाद का नाम दिया गया और इसके एक महत्वपूर्ण विशेष तत्व को उन्होंने जोड़ दिया जिसका नाम है जीन परिवर्तन। अर्थात उन्होंने कहा कि जो पीढ़ी चल रही है या जो जीव जंतु इस पृथ्वी पे जन्म लिए हुए हैं उनके जीन में अगर थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया या उसमें परिवर्तन हो गया तो जो जीव की पत्ती होती है वह पुराने जीव से क्या जाती है, डिफर जाती है, पुराने जीव से भिन्न हो जाती है। इसीलिए इसको जो है नॉट डार्विनवाद का नाम दिया गया। उन्होंने दूसरा पॉइंट कहा जैव विकास हेतु एक साथ कई कारकों का प्रभाव पड़ता है, अर्थात जीव के विकास के लिए एक साथ सिर्फ वातावरण का नहीं, सिर्फ प्राकृतिक का नहीं, बहुत से ऐसे प्रभावशाली चीजें होती हैं जिसके कारण से उस पर प्रभाव पड़ सकता है, अर्थात उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने स्पष्ट किया विविधता उत्परिवर्तन प्रकृतिवरण और जनन। विविधता मतलब कि भिन्नताएं होती हैं, परिवर्तित होते हुए चले जाते हैं, अर्थात जो जीव आज दिख रहे हैं कई सौ साल के पश्चात उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग प्रकृति के अनुसार उनमें बहुत से परिवर्तन होते हुए चले जाते हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा जीव में होने वाला परिवर्तन, अर्थात मैंने सिर्फ स्पष्ट किया कि जो नॉट डार्विनवाद था उसमें जीव में एक छोटा सा जब परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है वह जीव अपनी पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल डिफर हो जाता है, बिल्कुल भिन्न हो जाता है। अब देखिए जीवन की परिकल्पना से संबंधित लैमार्कवाद का सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका पूरा नाम जीन बैंक डी लैमार्क है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी सन 1809 ईस्वी में जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजी, अर्थात उन्होंने डार्विनवाद से पहले विकासवाद को स्पष्ट किया और अपने विकासवाद के सिद्धांत को बताने का प्रयास किया जो डार्विनवाद के सिद्धांत से थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है अंग वातावरण से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, अर्थात मनुष्य का जो अंग होता है वह क्या होता है, वातावरण के अकॉर्डिंग होता है, अर्थात जिस अंग का उपयोग हम लोग बहुत करेंगे वह अंग जो है हमारे शरीर में मजबूत होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम दाहिने हाथ का उपयोग ज्यादा करते हैं तो वह बाएं की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा जबकि बायां हाथ अधिक शक्तिशाली नहीं होगा, लेकिन जो लोग बाएं हाथ का उपयोग करते हैं उनका बायां हाथ दाहिने हाथ के अकॉर्डिंग जो है अधिक शक्तिशाली होगा। तो लैमार्कवाद ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि अंग जो होता है यानी कि शरीर के जो अंग होते हैं वह वातावरण से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है अत्यधिक उपयोग। जिस अंग का उपयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं वह अंग जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसमें वृद्धि होती है और उसमें विकास होता है। कहने का मतलब कि जिस अंग का प्रयोग हम लोग धीरे धीरे करना बंद कर दें वह कुछ पीढ़ी के पश्चात वह अंग स्वतः समाप्त हो जाती है, अर्थात आपने देखा होगा कि बहुत से जीव जंतुओं में अवशेषी अंग मिलते हैं। अवशेषी अंग मिलने के पीछे रीजन कारण यही होता है कि उसकी उपयोगिता धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त हो गई, इसलिए वे अवशेषी अंग के रूप में आज में दिखाई देते हैं। और तीसरा उन्होंने महत्वपूर्ण चीज लिखा कुछ अंग विलुप्त और कुछ अंगों का विकास। इसका एग्जाम्पल मैंने जिराफ से आप लोगों को बताया था कि जिराफ जो छोटा प्राणी हुआ करता था उसकी गर्दन धीरे धीरे क्या होती चली गई, बड़ी होती चली गई, अर्थात जो छोटा जिराफ था वह क्या हो गया, विलुप्त हो गया और उसकी जगह पर उसकी जो गर्दन हो गई वो बहुत
देखी जाती है और कई पीढ़ी के पश्चात उसमें बिल्कुल भिन्नता दिखाई देगी, अर्थात वे अपनी पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल अलग दिखेगी। इसमें और महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, आकार में वृद्धि। लेमार्क ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि जिस अंग का प्रयोग हम लोग बहुत अधिक करेंगे उसके आकार में वृद्धि होगी, अर्थात वह अंग विकसित होगा। दूसरा मैंने कहा वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव भी जो है अंगों पर विशेष रूप से पड़ता है, अर्थात जिस प्रकार का एटमॉस्फियर, जिस प्रकार का वातावरण है और हम जिस अंग का प्रयोग अधिक करेंगे वह हमारे शरीर में मौजूद रहेगी, अन्यथा वह धीरे धीरे कई पीढ़ी के पश्चात समाप्त हो जाएगी। अब देखिए उपार्जित लक्षण, आवश्यकता के अनुसार मनुष्य जो है अपने लक्षणों को विकसित करता है। तो लेमार्क ने यह स्पष्ट किया कि जिस लक्षण को हम लोग विकसित करना चाहते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती भी चली जाती है और उस समय के पश्चात वह उनके जो है पैदा होने के समय या उनके विकास होने के समय उस प्रकार के लक्षण उस जीव में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और लास्ट में लिखा अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग, अर्थात बहुत से शरीर में ऐसे अंग हैं जिसका हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अंग हैं जिसका जो है हम लोग प्रयोग करना बंद कर देते हैं। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये प्रकृति पर यानी कि नेचर पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की उपयोगिता कैसी है और किस प्रकार से हम लोग जो है अपने जीवन में उसके प्रभाव को देखते हैं। और कुछ पीढ़ी के पश्चात जो है वे अंग विकसित हो जाएंगे और कुछ अंग जो है बिल्कुल हमारे शरीर से समाप्त हो जाएंगे। और बहुत से आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने डायनासोर को सुना होगा, है ना। डायनासोर जो है एक प्रकार का ऐसा विशिष्ट प्राणी हुआ करता था जो शरीर और आकार में बहुत विशालकाय हुआ करता था, लेकिन आप लोगों ने नई पीढ़ी में देखा होगा कि डायनासोर की आकृति के जीव विद्यमान है लेकिन उनकी आकृति कैसी हो चुकी है, बिल्कुल छोटी हो चुकी है, अर्थात बड़े जीवों की उत्पत्ति जो हुई थी वह वातावरण के अकॉर्डिंग जो है उसमें काफी परिवर्तन हो गया जो अपनी पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल भिन्न पाए गए। धन्यवाद।